हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वेकेएस वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, इसमें वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। आज की वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें सैलरी क्या होगा, फुल डिटेल आप लोग को देने वाला हूं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की पर्पल के बारे आप लोग को देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो आपको एक यहाँ पर लिंक ओपन दिखाई देगा। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट में ही यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट जो है देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट के तहत है। पहला है नमामि गंगे प्रोजेक्ट एंड दूसरा है रिवैम्पिंग ऑफ ENVS, इसके तहत आपका है। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। आप देख सकते हैं बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि पहले आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आपको आईडी पासवर्ड, आपका नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ फोटो का साइज़ बताया गया है 50 KB और सिग्नेचर का साइज़ 20 KB। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले आपको अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर डिटेल बताया गया है। फिर आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल देना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फिर फाइनल सबमिशन करना होगा। तो जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं इसको जरूर अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट डेट 14 अगस्त ही इसका रखा गया, 14 अगस्त 2019। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ पूरा इसका फुल नोटिफिकेशन, और कल इसके रिगार्डिंग आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। आप स्टेप टू स्टेप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, जो लोग चाहें आज से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही नीचे आएगा आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा, क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे भी आप क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो लोग इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट किए होंगे। और तो उसके लिए पहले हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया क्लिक हेयर टू व्यू, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम लोग के सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके तहत है रिक्वायरमेंट नोटिस। तो इसमें हम लोग देख लेंगे पोस्ट किस किस पोस्ट पे। तो पहले दो प्रोजेक्ट के तहत है, नमामि गंगे फिर ENVS एंड ऑफिस। तो सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। तो नमामि गंगे इसमें, इसके अंतर्गत पहला, इसमें तीन तरह का पोस्ट है, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो इसमें टोटल 6 पोस्ट है, जनरल के लिए 3 है, EBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और BC के लिए 1 है। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc होना चाहिए विथ केमिस्ट्री, या फिर लाइफ साइंस होना चाहिए, या इन्वायरमेंटल साइंस भी अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और बायो केमिस्ट्री वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो यहाँ पेमेंट होने वाला है यहाँ पे 25,500 होने वाला है। और ये जो तीनों पोस्ट है, इस तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका एज एक ही रखा गया है। देख सकते हैं जनरल वालों के लिए 37, ABS के लिए 40, BC के लिए 40, यहाँ पे 40 वर्ष और SC के लिए 42 वर्ष यहाँ पे एज बताया गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, नमामि गंगे के तहत ही मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 ही है, जनरल के लिए 1 और EBC के लिए 1। यहाँ पे BSc होना चाहिए विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर BCA वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी पेमेंट आपका 25,500 रहेगा और आप लोग का एज जो है यही होने वाला है तीनों पोस्ट के लिए। फील्ड अटेंडेंट लैब असिस्टेंट, इसमें 10 पोस्ट है टोटल, जनरल के लिए 5 है, BC के लिए 2 है, SC के लिए 2 है और BC के लिए 1 है। ये 12th पास, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो लोग साइंस से हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको वेतनमान दिया जाएगा 21,300 रुपये। यहाँ पे भी एज वही रहने वाला है, जनरल का 37, EBC का 40, BC का 40, SC का 42 वर्ष यहाँ पे एज कैटेगरी वाइज दिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा प्रोजेक्ट ENVS एंड ऑफिस के तहत, तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर पारा टैक्सोनोमिस्ट का है। तो इसमें टोटल पोस्ट जो है आपका 10 रखा गया है, जनरल के लिए 5 है, EBC के लिए 2 है, SC के लिए 2 है और BC के लिए 1 है। तो इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देख सकते हैं ग्रेजुएट, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग अगर आप लोग को आता है, या वेब इंटरनेट पब्लिकेशन, अगर इन सबसे अगर आपका किसी एक में भी आपको अगर नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास विथ गुड कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपके इसके अगर आपके पास इसके लिए एक्सपीरियंस भी है तो सर्टिफाइड पारा टैक्सोनोमिस्ट से आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए आपको 11,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा, और यहाँ पे एज इसका 30 वर्ष बताया गया है। तो आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और 14 अगस्त इसका लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है।
तो इसके ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक और इसके पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए जो लोग चाहें आज से ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद इसके लिए फुल सबमिशन करना होगा जो कि मैंने आप लोग को पहले बताया। और इसके रिगार्डिंग इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं इसके रिगार्डिंग भी कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिहार के वेबसाइट थोड़े लास्ट डेट में आप लोग को स्लो हो जाते हैं, फिर आप लोग भर नहीं पाएंगे। जो लोग इसके लिए भरना चाहते हैं जरूर भरिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो लोगों को इसे वीडियो अच्छा लगती है ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए जो होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।